Oh,
Krishna.
कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी शांति से बैठ जाइए। मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने अपने स्थान को सुशोभित कीजिए, अलंकृत कीजिए, विराजमान हो जाइए। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज दूसरे दिन का शुभ आरंभ, और व्यास जी महाराज दूसरे दिन की कथा शुरू करें उससे पहले स्टेज मंत्री जी सूचना देंगे, और उसके बाद में एक छोटी सी रचना, उसके बाद में व्यास जी महाराज दूसरे दिन की कथा शुरू करेंगे। स्टेज मंत्री जी नारायण। जय श्री कृष्ण, जय जय गोपाल। कुछ श्रद्धालुओं की ओर से श्रीमद् भागवत जी को पुष्प आराधन और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं नामों का उल्लेख कर रहा हूं। वे कृपया यथाशीघ्र व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। आज के दैनिक यजमान श्री दामोदर जी, किशोर जी सारडा हेरिटेज, श्री ओम प्रकाश जी लड्डा, श्री प्रदीप जी मुंदड़ा, श्री वासुदेव जी मालू, श्री सुधाकर जी पसारी, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कृपया आप व्यासपीठ पर आएं, और हम सभी श्रद्धालुओं की ओर से श्रीमद् भागवत जी की कथा को पुष्प आराधन समर्पित कर परम पूज्य श्रद्धे भागवत भास्कर, परम श्रद्धे पंडित श्रीमान मोहनलाल जी व्यास हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी श्रद्धालु भागवत प्रेमी सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, भाभियों, आप सभी को नागपुर गोरक्ष अनुसंधान केंद्र की ओर से श्रीमद् भागवत आयोजन समिति की ओर से सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय श्री नारायण, जय श्री राम। मैं नागपुर नगर के सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से विनम्र वंदन करते हुए अभिनंदन और अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज के तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ करने की आप कृपा करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय गोपाल।
क्लीं कृष्णाय नमः। भगवत नामोच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दूसरे दिन का शुभारंभ आप सबके साथ ईश्वर से मंगलाचरण करेंगे। Ah.
श्रुति यज्ञ देवो सिताय गरिसुताय गणनाथ नमो नमस्ते करार विन्दे सुन रहे हो भागवत में परीक्षित का जन्म और परीक्षित के मोक्ष की कथा परीक्षित का जन्म बड़ा अद्भुत निराला हो
जन्म बाद में भगवान ने कृष्ण संज्ञा मां के पेट में तो ऋषि कहते हैं महाराज हमको परीक्षित के जन्म से लेकर मोक्ष पद की कथा सुनाओ तो आई परीक्षित के जन्म से लेके मोक्ष पद की कथा समझ में आवे उससे पहले अपने पितृसुरों की स्तुति करो जन्म से लेके मुक्ति तक के कथा सारे परीक्षित का जन्म अद्भुत निराला हुआ है जन्म बाद में भगवान का दर्शन लिया मां के पेट में माँ के पेट में भगवान का दर्शन किया इसका आश्चर्य नहीं हुआ है सबको आश्चर्य हो रहा है परीक्षित जन्म के ही पलाखी मार के बैठ गया जैसे आप बैठे हो बोलो पाल गोटी मार के महाराज सांदेले ले आशीर्वाद लेने
घर में तुम्हारे पुत्र जन्मे, गुरुजनों से आशीर्वाद ले। पांडव ऋषि ने परीक्षित को सहज जचवाया। एक बात आपको बताऊं, तुम्हारे घर में पुत्र जन्मने वाला है, तीन चीज घर में रखना। महीने पहले एक तो चांदी की कटोरी, दूसरा में शहद, तीसरा सोने का सलाका बनाना, सोने का सोना में कबूत हो गया वो। तो सोना में तो चांदी का बना लेना, चांदी की कटोरी में नहीं है तो कांसी की कटोरी ले लो। अज्ञान बालक जन्मे, अपने गुरु संत महात्मा को लगा के उस सलाके में शहद लगा के उस संत के हाथ में दे दो, गुरु के हाथ में दे दो, और बालक के जीव पर ओम लिखा दो, जाओ तो तुम्हारा बालक भगवान का बहुत भारी भक्त बन जाएगा। अरे बोली चलने के क्या कहते हो घरों में तो तुम्हारा बालक संस्कारित बनेगा, भजन करने वाला, सेवा करने वाला बनेगा। और सहज चटाने वाला व्यक्ति कोई निंदक है, चुगलखोर है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, बोलो ना, तो तुम्हारा बालक भी कामी क्रोधी लोभी हो जाएगा। शहद का प्रभाव जी पड़ा, परीक्षित को शहद किसने चढ़ाया बोलो, थोड़ा याद रखना हो, सांडल्य ऋषि ने। इसलिए परीक्षित जीव पर हमेशा कृष्णा 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 गोविंद 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 गोपाल 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 नाम हमेशा रहता। अरे शहद का ही प्रभाव था, सांडल्य ऋषि का ही जन्म के समय आशीर्वाद था कि मरने से पहले उसको भागवत रूपी अमृत का पान मिला। ये आशीर्वाद का प्रभाव, छोटे बालकों को तो गुरुजनों से आशीर्वाद दिलाओ। आशीर्वाद इतना काम करता है जितना काम दवाई नहीं करती है। दवाई तुम्हारी फेल हो जाएगी, रोग घटेगा या नहीं घटेगा, फेल हो जाएगी, ये
लेकिन आशीर्वाद से मेरी बुद्धि सदबुद्धि होगी या नहीं इसमें संदेह नहीं है। आशीर्वाद देते ही तुम्हारी बुद्धि बहुत सदबुद्धि हो जाएगी, दवा काम नहीं। महापुरुषों का गुरुजनों का दुहा काम करता है, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। काबिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। धीरे 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 परीक्षित जी बड़े हो रहे थे, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन एक एक लाइन बढ़ता है, ऐसे परीक्षित बढ़ रहा है। एक दिन युधिष्ठिर जी को अपशगुन हो गया, घर से निकलते समय कोई कुत्ता मुख ऊंचे करके रो रहा था। युधिष्ठिर ने विचार किया काम तो बहुत जरूरी है और अर्जुन द्वारका गया हुआ है अभी तक आया नहीं, और आज मेरे को जाना है लेकिन सुकन बोलना अच्छा नहीं। तुम घर से बाहर निकल रहे हो कार्य के लिए जा रहे हो, तुम्हारे सामने कुत्ता मुख ऊंचा करके रोने लग जावे उस समय तुम यात्रा मत करना। भागवत की कथा सुना था युधिष्ठिर को अश्वकाना। युधिष्ठिर ने विचार किया सुकन ठीक नहीं हुआ है, ऐसा अशुकन हो जावे तुम गौ माता के पास शीघ्र चले जाओ, यदि तुमको जाना है। गाय का दर्शन करो, गोरक्षण के लिए भागवत हो रही हो, भागवत के अंदर गाय की उत्पत्ति बताएंगे। गाय की उत्पत्ति गाय से नहीं हुई है, गाय मां के पेट में निकली है। आगे आठ स्कंद में कथा आएगी, गाय तो समुद्र से उत्पन्न हुई है, लक्ष्मी भी मां के पेट में नहीं रही, बोला लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और गाय भी, और लक्ष्मी के निकलने से पहले गाय निकली है उसके बाद लक्ष्मी निकली है। तो भागवतकार वर्णन करते हैं गाय लक्ष्मी की बड़ी बहन है, बोलो गाय की बहन है, बोलो लक्ष्मी की छोटी या बड़ी, बड़ी बहन। यदि तुम लक्ष्मी को चाहते हो घर में हमारी लक्ष्मी रहे, व्यापार में घाटा में रहे, हमारे मन में शांति रहे, तो प्रतिदिन गाय का दर्शन किया करो। सुकन अशुकन हो जाए जाना जरूरी है, गाय का दर्शन कर। युधिष्ठिर जी गाय के पास गए, गौ माता का दर्शन कर रहे हैं, आगे देखा गाय के शव से दूध की जगह खून निकल रहा है। सावधान, क्या निकल रहा है? खून। आए थे सुकन अच्छा करने के लिए गाय के पास, लेकिन और ही अपशगुन हो गया, गाय के स्तन से खून निकलता देख रहे हैं। ये सुकन अपशगुन और ही खराब। आज युधिष्ठिर को कितनी बार अपशगुन हो गया, वो तो कथा नहीं है, क्लास है। हाँ, दो बार अर्जना जरूरी है, दो बार तुमको अपशगुन हो जावे जानना जरूरी है, तो
भगवान के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करो। अब युधिष्ठिर भगवान के मंदिर में गए, भगवान का दर्शन करने, सुखनाथ करने। आगे देखा भगवान की मूर्ति से पसीना निकल रहा है, भगवान के आंखों में टप टप पानी निकल रहा है। यह और ही भयंकर सुना बोलो, तुमको कोई पूछेगा अभी क्या पितृपक्ष में कर रहे हो, क्या बोलोगे? पितरों के निमित्त भाग सो रहे हैं। और अगला पूछ लेगा, मैं प्रश्न करूं उत्तर दे देगा, बोलना क्या कहोगे? अरे हमारी कथा में कथा नहीं हो रही है, क्लास लगी हुई है, प्रश्न उत्तर के साथ कथा चल रही है। अगला व्यक्ति पूछ लेगा, पता नहीं क्लास चल रही है तो बता, युधिष्ठिर को एक दिन में कितनी बार स्वप्न हुए? बोलो बोलो बोलो, तीन बार। और तीन बार अस्वप्न हो जावे तुम्हारी प्लेन की टिकट है, भाई जहाज की टिकट है, जाना जरूरी है तो भी यात्रा कैंसिल कर देना। मारवाड़ी भाषा में बोलते भी हो, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। युधिष्ठिर जी बैठ गए, अब तो जाना ठीक नहीं, और तीन बार अस्वस्थ हो जावे समझ लो कोई न कोई अनिष्ट समाचार मिलेगा, कोई न कोई दुख का समाचार, और उस दुख के समाचारों को मैं सहन कर सकूं इसलिए एकांत में बैठ के भगवान का नाम लो। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे भगवान का नाम लो, और निश्चय कर लो कि आज कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। युधिष्ठिर जी भगवान का नाम ले रहे थे कि आठ महीनों से गया हुआ अर्जुन द्वारका से आया, कितने महीनों से? आठ महीनों से। अर्जुन का मुख उतरा हुआ है, मुख का तेज समाप्त, और युधिष्ठिर जी देख रहे हैं अर्जुन को, विचार किया आज शुक्ल भी तीन बार अच्छा नहीं हुआ, अर्जुन का मुख उतरा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने
पूछा रे अर्जुन क्या बात है, तू इतना उदास क्यों, तेरे चेहरे की चमक कहां गई, तेरे मुख का तेज कहां गया, तेरे मुख का ओज कहां गया, तो जल्दी बता, जिस पलंग पर तेरे को बैठना नहीं चाहिए था उस पलंग पर तो नहीं बैठ गया है। ये पहला युधिष्ठिर के मन में विचार आया। क्यों पहला विचार ये आया कि जिस पलंग पर तेरे को बैठना नहीं चाहिए था, जिस पलंग पर तेरे को सोना नहीं चाहिए था, उस पलंग पर तो नहीं सोया, ये क्यों पूछा। मुख का तेज दो चीजों से फीका पड़ता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। एक तो अपने अत्यधिक प्रिय का वियोग हो जावे ना, तो मुख का तेज ओज फीका पड़ जाएगा। दूसरा, जिसका चरित्र चला जाता है उसका मुख का तेज भी। अब युधिष्ठिर को विचार आ रहा है, इतना मुख उदासीन है, कहीं मेरे भाई अर्जुन ने चरित्र तो नहीं बिगाड़ दिया है, इसलिए क्या कहा, जिस पलंग पर बैठना नहीं चाहिए था, जिस पलंग पर तेरे को सोना नहीं चाहिए था, उसमें तो नहीं सोया है, यानी तेरा चरित्र तो ठीक है ना। धन गया समझो कुछ नहीं गया, समय गया तो समझ लो तुम्हारा कुछ चला गया, और चरित्र गया तो समझो तुम्हारा सब कुछ चला गया। अर्जुन के दा भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा चरित्र शुद्ध दर्पण की तरह है, तो बता द्वारिका में भगवान कृष्ण तो खुश है ना, और जो ही भगवान कृष्ण का कुशल समाचार पूछा, अर्जुन के आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया, भैया उस कृष्ण का क्या कुशल समाचार सुनाऊं, वो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, जिस कृष्ण के रहते मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को जीता था, आज वही मैं अर्जुन हूं, वही मेरा बाण है, वही मेरा रथ है, वही मेरे घोड़े हैं, योद्धाओं को जीतने वाले अर्जुन को जंगल के अंदर रास्ते में कायरों ने जीत लिया, स्त्रियों को लूट लिया, नर का क्या बड़ा समय, बड़ी बलवान काबा लूटी गोपिका, वो ही अर्जुन हुई बाण, भगवान कृष्ण गोलोक धाम चले गए, मेरे अत्यधिक प्रिय का वियोग मेरे से सहन नहीं हो रहा, इसलिए मुख का तेज फीका है। उन्होंने बताया ना, दो चीजों से मुख का तेज फीका, एक तो चरित्र चलिता, चरित्र पवित्र है, लेकिन अत्यधिक प्रिय का वियोग, मेरा प्रिय मेरा भगवान बोला वो लोग धाम चले गए। ओ मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अरे भैया उसी दिन कलयुग आ गए, कोई पूछे कलयुग कब आया, जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम द्वारका से गए, अब भगवान के जाने का समाचार, कलियों के आने का समाचार सुना, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन मेरे तो आज चिंताओं से ही मन बर्बाता, आज मेरे को बोलना कितनी बार सुनना, बोलो तीन बार, अरे ये समाचार मिला। युधिष्ठिर जी कहते हैं ऐसे कलियों में बड़े परिणाम नहीं है,
महाराज परीक्षित हो गया अपने पोते को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं सरकारों के लिए पांडव निकल गए। माँ कुंती ने तो ये सुना कि भगवान कृष्ण चले गए, वो तो ऐसे कृष्ण के बिगर तड़प तड़प के मर गई जैसे जल के बिगर मछलियां। कोई पूछे कलियुग का पहला राजा कौन? परीक्षित। इधर परीक्षित बड़े हुए, पांडव सरगारोहण करने निकल गए। परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर दिशा की इरावती नाम की लड़की के साथ। परीक्षित के चार बेटे हुए, पांच बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम जन्मेजय रखा। एक बार परीक्षित क्या करता है, पूर्वजों का खजाना खोल करके देख रहा है, उसमें एक सोने का मुकुट निकला। वो मुकुट किसका था? जरासंध का था। भीमसेन ने जरासंध को मार के मुकुट खजाने में रखा और भीम का पोता बोलना परीक्षित वो मुकुट पहन के जंगल में गया। उसको धरणी और धर्म मिले। धरणी पृथ्वी गाय का रूप धारण की हुई थी, अधर्म बेल का रूप। और परीक्षित देख रहा है काला व्यक्ति कोई मुकुट लगाया हुआ और गाय के लात लगाई। और परीक्षित उस काले व्यक्ति को मारने लगे और उसी समय काला व्यक्ति कहता है राजा मेरे को मारो मां। परीक्षित कहता भैया तू कौन है? वो काला व्यक्ति कहता है राजा मेरा नाम कलयुग है। उसने क्या परिचय दिया? मेरा नाम कलयुग है। तो परीक्षित कहता है कलयुग तो मेरे राज्य में मत रह, तो यहां से चला जा। कलयुग कहता है जाऊं का मेरे को जगह दो। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए चार जगह दिया। ओ कितनी जगह? चार। द्योतपाना झूठ बोलोगे तुम्हारे घर में झगड़ा चालू हो जाएगा। झूठ मत बोलो, कलयुग आ जाएगा।
द्योतपान श्री सोना यात्र धर्म चतुर्विदा जा प्राणियों का बध होता है वहां दया नहीं रहती, जिस घर में दया नहीं रहती बोलना उस घर में कलयुग आता है। और दया ग्रसी है ना, कोई अभ्यागत आ जावे कोई निकमंग आ जावे उस पर दया करना निर्दयी मत बनना। यदि तुम्हारे घर से कोई अतिथि भूखा चला गया कोई अभ्यागत भूखा चला गया और कोई भिकमंगा भूखा चला गया ना, समझो वो तुम्हारा पुण्य लेके चला गया और अपना बाप तुम्हारे को दे दिया, देते ही तुम्हारे घर में झगड़ा चालू और कलयुग आ जाएगा। कितनी जगह हो गई, दो हो गई है, तीसरी दे दी स्त्री है सुना उल्टा स्त्रियों में राग, तीन चौथी जगह दे दी जा तो श्राप में राग मदिरा में राग, कितनी जगह हो गई चार सकारों में कलयुग रहता है। घर को वृंदावन बनाना है, भगवान को बुलाना है, भागवत में बैठ करके नेम लो, चार सकारों को छोड़ने का प्रयत्न करो, चार सकारों को छोड़ दो एक सकार को ले लो तुम्हारे घर से कलयुग चला जाएगा, कन्हैया आ जाएगा। सह से सिनेमा को छोड़ो, सह से सट्टे को छोड़ो, सह से सिगरेट को छोड़ो, सह से शराब को छोड़ो और सह से सात दिन सत्संग करो तुम्हारे घर से कलयुग हो जाए। सिनेमा सट्टा सिगरेट शराब ये झगड़ा कराने वाली चीज है और जहां झगड़ा होता वहां कलयुग परीक्षित कहता है, वो परीक्षित को कलयुग कहता है। भगवान ने एक जगह अच्छी देखो मेरे को सया माना है सोने में राग बोलना कौन सी जगह थी, सोना स्वर्ण। उस समय परीक्षित के माथे पर सोने का मुकुट बना हुआ था और कलयुग में विचार किया मौके का फायदा उठाऊं, जब परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया और बैठते ही परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। सोने में क्या रहता बोलो, बोलो ना सोने में कौन रहता है, अन्नपूर्णा कलयुग रहता है, पक्का पता है ना। रजो वीरम च पंचम सोने में कलयुग रहता है, तो पक्का पता है तो इतना सोना क्यों पहना है बोलो ना। जब सबको पता है कि सोने में कलयुग रहता है इतना सोना क्यों पहना। आप कहोगे महाराज आप यहां सिर पर बैठे हो, आपने तो पहन रखा है, ये तो कहोगे। एक बात ध्यान देना,
सोने में कलयुग रह रहा है। और इधर भगवान गीता में अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अर्जुन सोना मेरा रूप है, सोने में मैं रहता हूं। और इसी भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, हे उद्धव सोने में मैं रह रहा हूं। अब कौन सी बात मानोगे? यही भागवत कह रही है सोने में कलयुग। हाँ, यही भागवत आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं सोने में मैं। जो अन्याय से पैसा कमा करके घर में सोना लाता है उस सोने में कलयुग रहता है, ध्यान देना। कलयुग किसका नाम? कलयुग का नाम एक अंगूठी के लिए देरानी जेठानी में झगड़ा चालू हो जावे, एक अंगूठी के लिए भाई भाई में झगड़ा चालू हो जावे। समझ लो तुम्हारे घर में सोना न्याय के पैसे का नहीं था। यदि न्याय न्याय के पैसे का सोना होता तुम्हारे घर में कभी आ नहीं सकता, अन्याय का झगड़ा करेगा। न्याय के पैसा लेके तुम सोना खरीद के घर में लाओगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बात बताऊं, परीक्षित के पास अन्याय का सोना था ही नहीं। यदि परीक्षित के अपना घर का मुकुट पहना हुआ होता कलयुग नहीं बैठ सकता था। जल्दी बताओ उस समय परीक्षित के माथे पर किसके सोने का मुकुट पहना हुआ था? जरा सा अन्याय करने वाले का जरा सा मुकुट था, वो भीमसेन ने मार करके जरा सा को मुकुट खजाने में रखा था और वो परीक्षित ने पहन लिया। और ये भी ध्यान रखना, जो तुम्हारे पूर्वज सोना रख के छोड़ के गए हैं और जो पूर्वज तुम्हारे लिए संपत्ति, तुम्हारे घर में संपत्ति छोड़ के गए हैं, वो तुम स्वयं उपयोग मत करो। वो पूर्वजों के निमित्त कुछ मुकाने में खर्च करो, स्वयं स्वयं नहीं, पूर्वजों की कमाई स्वयं नहीं, पूर्वजों की कमाई तुम दान में लगाओ। और पितृपक्ष सदा है, थोड़ा बैठ के विचार करना, पितरों के निमित्त तुम भागवत सुन रहे हो, कितने तुमको जमीन देके गए, कितना जायदाद देके गए, कितने सोने का तुमको मालिक बनाया, कितने रुपए छोड़ के गए उसका तुमको मालिक बनाया, कितने हीरे बनों का, तो थोड़ा सा पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए गौदान तो कर दो। भागवत तो कहती है अपने पूर्वजों की कमाई तुम जो दान में लगाओगे तभी तुम्हारा व्यापार ज्यादा बढ़ेगा। पूर्वज छोड़ के गए हैं उससे 100 गुना अधिक तो तुम पूर्वजों की कमाई दान में लगाओगे तो तुम्हारे व्यापार में आ जाएगा। और पूर्वजों का ही खाते रहोगे तो व्यापार मंदा पड़ जाएगा। बोलना, पूर्वजों का छोड़ा हुआ स्वयं को नहीं खाना है और ज्यादा मिलेगा। पूर्वजों का छोड़ा हुआ तुम दान में लगाओ और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा। यदि पूर्वजों का ही खा रहे हो तुम तो समझ लो तुम बासी खा रहे हो। यदि तुमने गौ ग्रास नहीं निकाला समझ लो तुम बासी खा रहे हो। यदि पूर्वजों के दिए हुए को तुमने दान में नहीं दिया
तो समझ लो तुम भूखे ही सो रहे। साधा पुलिन नगर की एक लड़की थी, जान देना। उस लड़के का विवाह हो गया नास्तिक के घर। घर में पूजा होता था, पिता के घर में पाठ भी होता था, नित्य कर्म भी होता था, सत्संग भी होता था। घर में बड़े बड़े संत महात्मा भी आते थे। पितरों का श्राद्ध भी बोलना कन्या के पिता के घर में होता था। लेकिन जय ससुराल पहुंची, ससुराल वालों को पता ही नहीं है श्राद्ध क्या है। बोलो श्राद्ध क्या होता है, ये उनको पता नहीं है। वो श्राद्ध तो श्रद्धा का विषय है। और आजकल भी हमारे घर में पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, हमारे बच्चों को भी पता नहीं है श्राद्ध क्या होता है। क्योंकि बच्चों को महीने का ही पता नहीं है श्राद्ध का महीना कौन सा है। बोलो है पता, बच्चों से पूछो, बच्चों श्राद्ध कौन से महीने में आता है। वो कहेगा पापा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। ये बोलेगा वो, मेरे को बताओ महीना याद कर रहा हूं। बच्चों को महीनों का पता नहीं है। महीने पूछो बच्चों, कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अरे बच्चों को संस्कार दो, हमारी संस्कृति सिखाओ। बच्चों को बारे महीने बताओ, चेत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसो, कार्तिक, मेंसर, पोह, माह, फागुन। बच्चों सीखो, चेत महीने में पुत्र संवत्सर आता है। रामनवमी बोलना कौन से महीने में आती है, चेत में आती है। वैसाख के महीने में पुत्रों आकाती जाती है। जेठ के महीने में बोलो ना निर्जला एकादशी आती है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आती है। सावन में रक्षाबंधन आता है। भादवे में जन्माष्टमी और गणेश महोत्सव आता है। आसोज में बोलो पितरों का श्राद्ध होता है। अब हमारे तुम्हारे बच्चों को आसोज का महीना ही पता नहीं है। हम सोचते हैं हम मरेंगे हमारे बच्चे श्राद्ध करेंगे, क्या करेंगे, उनको तो आसोज के महीने का पता नहीं। आज बच्चों को महीने का पता नहीं है, बारों का भी पता नहीं है। देख लेना घर में जाके बच्चों से कहो, कुछ बच्चों सातों बारों का नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे संडे मंडे खोल खाओ मंडे। आज स्कूल में सिखाया जा रहा है संडे मंडे खोल खाओ। लेकिन पहले स्कूल में सिखाया जाता था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार घर में लाओ सदाचार। ये सिखाया द्वादशी के दिन हमारे शास्त्रों में गोपाष्टमी को गाय की पूजा होती है। कादी बली बारस को गाय की पूजा होती है। बस बारस को गाय की पूजा होती है। अब बच्चों को पता ही नहीं। और कन्या विचार करती है क्या कर्म का विपाक हो गया, मेरे पिता के घर में कितना अतिथियों का सत्कार, कितनी पूजा, कितना पाठ। अरे यहां तो कोई है ही नहीं, श्राद्ध है फिर भी पता नहीं। वो पूछती है
पिताजी ससुर जी आपके पिताजी का संस्कार यहां संस्कार में कुछ नहीं होता है। बोलो कन्या को बहू को दुख लग रहा है। एक दिन वो रोटी बना रही थी वो और सास भोजन कर रही थी, एक भोला भट्ट का महात्मा आ गया झोली लेके और कहता भगवती विश्राम दे ही भगवती विश्राम दे ही माता जी विश्रा दो। बहू कहती है महाराज तुए के ऊपर है रोटी सेक कर ला रही हूं। महात्मा कहता है रोटी लाने से पहले भिक्षा लाने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे के भिक्षा लाना। महाराज क्या है आपका प्रश्न का? पहले बता रोटी ताजी या बासी? बोलो क्या पूछा? रोटी ताजी या बासी? जबकि वो कह रही है तुए के ऊपर है सेक करके ला रही, फिर भी कह रही है रोटी ताजी। महात्मा कहता पहले बता रोटी ताजी या बासी। बहु अपनी सास के सामने बोलती है महाराज जी हमारे घर में ताजी रोटी नहीं है, हमारे घर के जितने सदस्य हैं बासी खाते हैं और भूखे बोलो ना सोते हैं। महात्मा ने एक अंगुली कर दी, खबरदार भाई बासी खाने वालों को भूखे सोने वालों का घर का अन्न मैं नहीं खाता। एक अंगुली की बहू ने दो अंगुली कर दी, सास देख रही है बहू विचार सास विचार कर रही है खग जाने खगे की भाषा। महात्मा चला गया, बहू पति के पास गई, वो सास पति के पास गई, बहू के ससुर से क्या कहते सुनो ना बता ये बहू कहां से ले आए आप, क्यों क्या हुआ? मैं इस बहू को रखूंगी नहीं घर में, स्त्रियों के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र जानते हो, स्त्रियां कभी कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देना फिर राम बचो महाराज। क्या ब्रह्मास्त्र होता है? या तो इस घर में बहू रहेगी या इस घर में सास रहेगी, बोलो ये ब्रह्मास्त्र। मैं इसको नहीं रखूंगी। ससुर कहता हुआ क्या कि पहले बताओ अभी आपने भोजन किया कैसा लगा? रोटी भी गर्म थी, सब्जी भी गर्म थी, बोलना चावल भी गर्म था, दाल भी। आपकी बहू क्या कह रही है? महात्मा ने पूछा रोटी ताजी या बासी? आपकी बहू कह रही है बासी खाते हैं भूखे सोते हैं, इतना ही नहीं महात्मा ने एक उंगली की आपके बहू ने दो उंगली कर दी, मैं बहू को घर में नहीं रखूंगी। ये बात महाराज ससुर को भी थोड़ी खटकी अच्छी नहीं लगी, ये कैसे कह दिया? ससुर आया बहू के पास, बीननी ए बीननी बोलो ना इधर आ। बीननी बोलती सासु जी बोलो, ओ ससुर जी बोलो क्या बात है? अरे तुमने महात्मा को क्या कह दिया? महात्मा ने जिस अभिप्राय से प्रश्न किया उसी अभिप्राय से मैंने उत्तर दे दिया। महात्मा ने पूछा रोटी ताजी या बासी? मैंने कह दिया बासी खाते हैं भूखे सोते हैं। अरे बीनी हमारे घर की पछती क्यों करा रही है? मैं अभी भोजन किया गर्मा गर्म किया था, कभी बासी खाते नहीं है। बहु कहती है पिताजी ये कमाई है ना कमाई, ये आपके पूर्वजों की कमाई है, आपके पहले जन्म की कमाई है, जब तक पहले जन्म की कमाई का आप गौ ग्रास नहीं दिया जाता है, सावधान सुन लेना भैया काम देके पितृ पक्ष सुन रहा है, जब तक रसोई बनावे
और पहली रोटी जो गाय के लिए निकाल नहीं निकालता है वो भूखा बासी खाता है। तो यहां पर तो गौ ग्रास बोलो ना निकलता नहीं। और जो अपने पितृ पक्ष में पितरों के लिए कुछ भी नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, पिंडदान नहीं करता है, पितरों के लिए कभी गौ दान नहीं दिया है, वो तो भूखा ही सोता है। तो हमारे घर में नए पितरों का तर्पण हो रहा है, नए पितरों का श्राद्ध हो रहा है और नए गाय के लिए गौ ग्रास निकल रहा है। बासी खा रहे हैं और भूखे ही सो रहे हैं। का एक अंगुली महात्मा ने क्यों की? महात्मा ने एक अंगुली इसलिए की कि मानव तन मिला है मनुष्य का दान, इस तन को प्राप्त करके बासी यानी गौ ग्रास नहीं दोगे, क्योंकि ओली ओली में तो गौ ग्रास दिया नहीं जाता। और इसी मानव तन में तो हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, तुम्हारा एक बोलना एक जाम बेकार चला जाएगा। मैंने दो उंगली इसलिए कि महाराज हम तो ग्रसली हैं, हम यदि गौ को गौ ग्रास नहीं देंगे, पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, भगवान का भजन सत्संग नहीं करेंगे, हमारा एक मानव जीवन बेकार चला जाएगा। आप संत होके क्रोध करोगे, यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपके दो जन्म बेकार चले जाएंगे। माता बहनों भाइयों, सत्संग की बात है, सत्संग की बात कब लग जावे, कब जीवन में परिवर्तन आ जावे कोई पता नहीं। हो सत्संग की सारी बातें नहीं लग पाएगी, लगी नहीं सकेगी। सत्संग की सारी बातें संत महात्मा ऋषि मुनियों को भी नहीं लगी तो हमारी तुम्हारी को क्या लगेगी। लेकिन सत्संग की तो एक दो बात तुम्हारी लग जाएगी ना। जैसे मानव दूध को जमाने के लिए मानव जावन की आवश्यकता नहीं होती है, एक चलू छाछ में जैसे मानव दूध जम जाता है, ऐसी सत्संग की एक बात लग जाती है तो बेड़ा पार बोलना बेड़ा पार। तो एक बात को ग्रहण कर लो, ये मानव तन मिला है, गौ दान यदि तुमने जीवन में नहीं किया है, ये पितृ पक्ष में गौ दान गायों के लिए घास चारा हमारे इस गौर रक्षण समिति ने एक महीने के चारे के लिए बोलना 1100 रुपए रखे हैं। ये तो कर सकते हो, ताजा बना लेना, बासी मत खाना। 3 महीने चारे के लिए 3100 रुपए रखे, गाय के 5 महीने चारे के लिए 5100 रुपए रखे, गाय के 7 वर्ष के चारे के लिए बोलना 11000 रुपए रखे हैं। एक साल की सभी गायों के लिए बोलना 11000 रुपए हो, इससे ऊपर क्या हो सकता है, ये ताजा बनाओ ताजा। और कुछ नहीं कर सको महाराज, एक बात बता देता हूं माता बहना, सस्ता सुंदर ये 11000 51100, ये तो भाई लोग करेंगे, तुमको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं, तुम ताजा बनाओ ताजा, और जो भी तुम्हारी और वो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी औकात है उतना ही बता रहा हूं। सोत के दिन बोलना बहुत सोत करके तुमको पगे ला के कुछ देती या नहीं, वो पगे लावनी लगावनी है ना देर है। अरे सोत का व्रत करवा, सोत का और सोत का व्रत करके बहुएं सासुओं को कुछ देती है ना, उनमें से तो बचाया हुआ है, बस
परसों गाय का जन्म होगा मेरी भागवत में, बोलो परसों किसका जन्म होगा? गाय का जन्म भागवत में आएगा। समुद्र मंथन में गाय निकलेगी, और समय दो दिन का समय देता हूं, बहनों को बेटियों को भी सूचना कर देना कि हमारे यहां बोलना पितरों के कल्याण के लिए भागवत हो रही है, और जो ही गाय का जन्म होगा उस समय गाय के लिए तुम एक एक श्रावणी जरूर बोल देना, बोलो, और एक श्रावणी का 2500 रुपया रखा है, बोलो करोगे या नहीं करोगे? अरे हनुमान जी के श्रावणी करोगे, सालासर में जाके हनुमान जी खाएंगे, खाटों में जाके तुम श्याम बाबा के श्रावणी करोगे, श्याम बाबा अकेला खाएगा, और यदि रामदेव में जाकर के तुम श्रावणी करोगे, रामदेव बाबा का एक ही श्रावणी होगी, और गाय के लिए श्रावणी करोगे तो गाय में 33 करोड़ देवताओं की श्रावणी हो जाएगी। लो इससे अच्छा और कोई ताजा बनाने का उपाय नहीं, ताजा बनाओ तो बासी मत खाना, पितरों के निमित्त तुम्हारे निमित्त तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ है तो तुम बेटी के निमित्त श्रावणी कर दो, तुम्हारे जवाई के कोई तकलीफ है जवाई के लिए तुम श्रावणी कर दो, तुम्हारा बेटा कमजोर है तो बेटे के लिए तो श्रावणी पर सुबोल देना, और तुम्हारी बेटे को पढ़ाई नहीं आ रही है तो उसके लिए तो श्रावणी बोलो, रुपए कितने लगेंगे बोलो? 2500। तुम्हारे बच्चे ऐसे सुधर जाएंगे, ऐसे संस्कारी हो जाएंगे, और यदि तुम 2500 रुपए की श्रावणी कर दोगे तुम्हारे बच्चों को संस्कार मिल जाएगा, संस्कार संपत्ति तुम देना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे संस्कारित नहीं है संपत्ति तो यही रह जाएगी, बच्चों को संस्कार ओ श्रावणी बोलती तुम्हारे बच्चे पान बड़ा खैनी गुटका उठका चंद्र नहीं खाएंगे, और नहीं बोलोगे बोलो ना बच्चे महाराज 2500 रुपया दिन में उड़ा देंगे, पान बड़ा सान बड़ा बोलो ना खैनी कचरा खाएंगे, पक्के हो ना? और वो भी नहीं कर सको और बताता हूं, गाय बीमार हो जावे उसके लिए गौ रक्षा समिति ने 500 रुपए रखे हैं, यदि तुम गायों को दवाई दे दोगे हाँ तुमको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भागना ही नहीं पड़ेगा। कह के महाराज सुनानो तारो काम, सुनो मारो काम, करा तुम्हारे जति जाए नहीं माया बाया को थमावा से बताई है, इतनी बात थी मेरी मान ली, कब करने है बोलो बोलो बोलो? परसों नंदोत्सव में गौ माता का जन्म होगा समुद्र मंथन में, और उस गाय का नाम निकलेगा हावी धानी, बोलो गाय का नाम क्या निकलेगा? हावी धानी, आविर्दानी गाय के जन्म के समय जो गौदान कर देता है उसके पितरेसर भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय कोई गौदान कर देगा, गौदान का 11,000 रुपए रखा है, उस समय कोई गौदान कर देगा, गाय के जितने रोम है उतने तुम्हारे कुलों के पितरेसरों का उद्धार, एक अंगुली से एक ही बता दिया, दो अंगुली से एक ही बता दिया, सत्संग की बात है महाराज, बहु की बात सुन करके या तो ससुर कभी गौ ग्रास ही नहीं निकालता था, कभी गाय के लिए बोलना घास ही नहीं देता था, कभी पक्षियों के लिए सुगा भी नहीं देता था, और बहु की बात लग गई दूसरे दिन भी नहीं घूमने जा रहा हूं थोड़ा सुखा डाल बोलो देखो सुखा आज बिंदनी गायों को घास सुखा बोलो ये बहु की बात सुनके लग गई तुम भी किसी न किसी की बहु के हो हाँ अच्छी बनके रहा बहु की बात लग गई अतिथि आवे महाराज भोजन करके जाओ बोलो जहां अतिथि को सत्कार नहीं हुआ बोलो ना
और जो पितृपक्ष आए पता लगा लिया मैंने बुआ जी से मेरे पिताजी का पंचमी तिथि थी। हाँ तर्पण करूंगा पंडित को बुलाने से जरूर बोलो सत्संग की बात लगेगी। वो पांच वर्ष हो गए वो पांच वर्ष सुसर बहु के बाद सुनते ही पितरों का श्राद्ध भी कर रहा है गाय की सेवा भी कर रहा है और पहली रोटी बोलना गाय को दे रहा है। पांच वर्ष के बाद वो महात्मा आया सास खड़ी है बहु भी खड़ी है सास के जैसा लिए महात्मा वही है जो पांच वर्ष में ले आया माता के तब बहुत ही विश्राम लेगी माता जी विश्वास बहु कहती लाती हूँ महाराज महात्मा प्रश्न करता है पहले बता रोटी ताजी आवासी बहु कहती है महाराज गर्मा गर्म है देने में नहीं बिल्कुल शर्म है क्योंकि अब तो गाय योग्रास भी हो रहा है पितरों का श्राद्ध भी हो रहा है अतिथियों का सत्कार भी हो रहा है मंदिर देवरा भी महाराज गर्मा गर्म है रोटी लाके दी और सास सास में खड़ी है रोटी लेके महात्मा पूछता है अरे बता भाई तेरे ससुर की आयु कितनी है बोलना कहते महाराज मेरे ससुर की आयु हाँ महाराज जी मेरे ससुर जी लगभग पांच वर्ष के ये सुनते ही ससुर का बारा पड़ रहा है हाँ और तेरी सास की आयु का सास ही पांच पूरी पांच वर्ष है महाराज जी और तेरे पति की आयु का मेरा पति तीन वर्ष का है महात्मा ने पूछा तेरी आयु का मैं हूं पच्चीस वर्ष की और मारा सास का पांच वर्ष ससुर को बना दिया पांच वर्ष का मेरे को बना दी पूरी पांच वर्ष की और बेटे को बना दिया तीन वर्ष का और स्वयं बनी है पच्चीस वर्ष की मारे जीवन का बड़े स्वयं बनी है पच्चीस वर्ष की सास महात्मा तो चला गया ससुर के पास गई आपकी बहू तो और भी कुछ गड़बड़ कर रही है ससुर ने विचार किया इसमें कोई ऐसे होगा बीवी ए बीवी बोलना हाँ वो बीवी आ गई अरे आज महात्मा को क्या सुना दिया काजी अभिप्राय से महात्मा ने प्रश्न किया उसी अभिप्राय से मैंने उत्तर दिया महात्मा ने पूछा तेरी ससुर की आयु कितनी मैंने कहा पांच वर्ष अरे बहु रानी गोल्डन जुबली मनाई थी पांच वर्ष पहले तेरे को पता नहीं है मैं बचपन वर्ष का हो गया तो क्या कह रही है बहु कहती है ससुर जी महात्मा वो आयु पूछता है जिस आयु में भगवान का भजन हुआ है आप पांच वर्षों से ही गौग्रास दे रहे हो पांच वर्षों से ही तर्पण कर रहे हो पांच वर्षों से ही मंदिर जा रहे हो पांच वर्षों से ही माला जप रहे हो आयु वो काम में आती है जिस आयु में भगवान का भजन हुआ है ससुर जी आप पांच वर्ष के हो आपके पचास वर्ष बेकार चले गए आज ससुर जी पचास वर्ष की है लेकिन आपके देखा देखे ये भी पांच पौनी पांच वर्षों से भजन में बैठी है गौ ग्रास भी देती है गौ माता को प्रणाम भी करती है अतिथियों का सत्कार भी करती है तो इनके पैंतालीस विकास चले गए पांच ही वर्ष की है और आप माता पिता को देख के आपका बेटा तैतीस वर्ष का है मेरा पति आपको भजन करते देख करके तीन वर्ष से वो भी पाठ कर रहा है पूजा कर रहा है तीस वर्ष मेरे पति का बेकार चले गए
लेकिन 3 ही वर्ष के हैं। और मैं जिस समय पिता के घर में थी 5 वर्ष की थी, तभी भगवान के भजन में बैठ गई। गौग्रास मेरा नेम था, आज भी दे रही हूँ। 5 वर्ष से मेरे माता पिता का संस्कार था, भोजन से पहले मैं गौग्रास देती थी। मैं आज 25 वर्ष की स्त्री हो गई। 5 वर्ष तो बेकार मेरे चले गए, बालपन में पता नहीं लगा कि गौग्रास का क्या महत्व है। और अब दे रही हूँ 25 वर्ष की, इसलिए मैं मेरे 5 वर्ष बेकार चले गए, 25 तो है ना मेरे भाई। आयु वही काम में आएगी जिस आयु में भगवान का भजन हुआ है। यदि हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, हम गौदान नहीं कर रहे हैं, हम पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, बोलो बासी खा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। कलयुग आ जाएगा, कलयुग बोलो। परीक्षित के माथे पर जरासंध का मुकुट था, क्यों कलयुग बैठा है बोलो ना। उस मुकुट का दान करना चाहिए था, उस मुकुट को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन धारण कर लिया, इसलिए कलयुग ऊपर बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। ऐसे हम पूर्वजों की कमाई को हमारा स्वयं उपयोग करेंगे, कुछ नहीं देंगे, हमारी तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी महाराज। पड़ी हुई संपत्ति हमेशा बोलो ना क्लेश कराती है, पड़ी हुई संपत्ति हमेशा मन में विकार उठाती है, पड़ी हुई संपत्ति से संस्कार बोलो ना नहीं मिलता है। माता पिता जो छोड़ के गए हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ न कुछ बोलो ना करो। परीक्षित का स्वयं का मुकुट नहीं था, जरा संता बुद्धि बिगड़ी। समी के गले में सर पहनाया, समीक ऋषि ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक शंखनाग डसेगा। श्राप का पता लगा, पता लगते ही गरबार स्त्री पुत्र कलत्रा मित्रा धन दौलत लाज पाज को छोड़ के परीक्षिता अपने बेटे जन्मे जय को सिंहासन पर बिठा के कल 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 करती बोल दे गंगा मैया की। गंगा के किनारे पर आ गया, सुखदेव जी आ गए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, बड़े बड़े ऋषि भी आए हैं, भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो राम तथा गादि सुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रा त्रिपि पिप्पलादा भृगु है वशिष्ठ है चवन है अत्रि है मेधातिथि है देवल है देवरात है राम है गादि है पराशर है योगेश्वर है। हाँ वेद व्यास भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए। और जो ही सुखदेव जी आए महाराज, सारे ऋषि खड़े हो गए। सावधानी से सुनना मेरे भाई, परीक्षित देख रहा है, कोई ऋषि 5000 वर्ष की आयु वाला और कोई 500 वर्ष की आयु वाला, कोई 100 वर्ष की आयु वाला। सुखदेव जी कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के ही हैं। सुखदेव जी कितने वर्ष के हैं? और सुखदेव जी को देखते ही सारे ऋषि खड़े हुए, प्रणाम किया सुखदेव जी को, सिंहासन ऊपर बैठाया और स्वयं 5 वर्ष की आयु वाले नीचे बैठे। और परीक्षित देख रहा है उल्टी गंगा कैसे बह रही है। घरों में देखा जाता है बूढ़े के चरणों में प्रणाम होता है, और यहां पर बोलो ना जवान के चरणों में बूढ़े प्रणाम कर रहे हैं। भागवत का पहला स्कंद 19 का अध्याय देखना, बूढ़े के चरणों में प्रणाम नहीं, जवान के चरणों में बूढ़े प्रणाम कर रहे हैं। तो राजा ने ऋषि मुनियों से पूछा, हे ऋषियों मुनियों, आप कोई 5000 वर्ष की आयु वाले, कोई 500 वर्ष की आयु वाले, और सुखदेव जी 16 वर्ष के,
सुखदेव जी को आपने कैसे प्रणाम किया? ऋषि बोले, राजा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में ज्ञान वृद्ध की पूजा होती है, आयु में हम बड़े हैं लेकिन ज्ञान में बोलो ना सुखदेव बड़े हैं, इसलिए हमने सुखदेव जी को प्रणाम किया। ब्राह्मणों में ज्ञान व्रत की पूजा होती है, क्षत्रियों में बोलो ना बल व्रत की पूजा होती है, वैश्यों में बोलो धन व्रत की पूजा होती है, शूद्रों में वयोव्रत की पूजा होती है, आयु में हम बड़े हैं, ज्ञान में सुखदेव जी। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ, सुखदेव जी के चरणों में गिर के कहा, गुरुदेव मेरे से एक पाप हो गया, मैंने ब्राह्मण के गले में सर्प पहना दिया, ब्राह्मण के बालक श्रृंगे ने मेरे को 7 दिन का मरने का साप दे दिया कि 7वें दिन तेरे को तक्षक नाग बसेगा। अब मेरे जीवन के 7 दिन है, 7 दिनों में क्या करूं, 7वें दिन मरना, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये जीव मात्र परीक्षित का प्रश्न है। जीव मात्र परीक्षित को 7वें दिन मरना है, मरने से पहले क्या करना है ये भागवत बता रही है। परीक्षित ने पहले अपने पाप को प्रकट किया, यदि तुमको पाप का प्रायश्चित करना है तो पहले पाप को हमेशा प्रकट करो, गुरु के आगे करो, गुरु नहीं मिले तो भगवान के आगे प्रकट करो, पाप को भूल करके भी छुपाना मत और पुण्य को भूल करके प्रकट करना मत, हमेशा तुम पुण्य को छुपाए हुए रखो, हमेशा तुम पाप को प्रकट करो। सुखदेव जी ने परीक्षित के माथे पर ये हाथ रखा है, हाथ ये हो गई स्पर्श दीक्षा, एक होती है मंत्र दीक्षा, एक होती है स्पर्श दीक्षा। मंत्र दीक्षा अधम होती है, स्पर्श दीक्षा उत्तम होती है। जब गुरु अधिक कृपा करता है ना, तभी शिष्य पर माथे पर हाथ रखता है, और जो गुरु जो संत जो महात्मा तुम्हारे हमारे पर माथे पर हाथ रख देवे, समझो हमारा संबंध उसी समय परमात्मा से करा देगा। तुम्हारे अगर कोई संत आवे, महात्मा आवे, गुरु आवे, बच्चों को ले जाया करो, बच्चों को प्रणाम कराया करो, संत के हाथ बच्चों के माथे पर लगाया करो। सुखदेव जी ने भागवत पहले नहीं सुनाई है, पाप को प्रकट करते ही परीक्षित के माथे पर बोलो ना हाथ रख के क्या कहा, बरियाने सते प्रश्न प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न मत बोलना, प्रश्न प्रश्न क्या है, मरने से पहले क्या करना है। अरे प्रश्न तुमने किया, कृतम लोक हितम कृपा, हे राजा सुनने वाले का कल्याण हो जाएगा तेरे प्रश्न से, क्योंकि मरना सबको है, और कौन से दिन मरना है बोलो, 7वें दिन,
सात बारों में ही मरना है।